जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केदारनाथ पर ये वीडियो होने वाली है। 400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारनाथ धाम के 10 रहस्यों को जानते हैं। सबसे पहले शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या रहस्य है? पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान दे दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में दो पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी कथा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ण प्रयाग के समय शिवजी ने बैल के रूप में दर्शन दिए थे तो बाद में धरती में समा गए थे, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल में स्थित है। पुराणों में पंचकेदार की कथा नाम से इस कथा का उल्लेख मिलता है। तीसरा है केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनाते हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने करवाया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने किया था। एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिर के बीच में कालेश्वर जो कि तेलंगाना में है और श्री कालाहस्ती मंदिर आंध्रा में है, एकम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु, तिलई नटराज मंदिर चिदम्बरम और रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक सीध में है। पांचवा अद्भुत रहस्य है 400 वर्ष तक मंदिर बर्फ में दबा रहा लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देहत्याग किए गए आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी कि 400 सालों तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह के जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। छठा रहस्य है 6 माह तक भी नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद जब मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि मंदिर में साफ सफाई मिलती है जैसा कि छोड़ कर गए थे। 7वां रहस्य है लुप्त हो जाएगा केदारनाथ मंदिर। जी हाँ, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक
नए तीर्थ का उद्गम होगा। आठवां रहस्य है, तूफान और बाढ़ में भी सुरक्षित रहता है मंदिर। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक से वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल दो भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। नवा रहस्य है, कैसे बना होगा यह मंदिर, अभी भी यह रहस्य बरकरार है। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे और 187 फुट लंबे 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वे तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत्र कैसे खंभों पर टिकाई गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 10वां रहस्य, निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़। ना सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ, मंदाकिनी, मधुगंगा, शीर गंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे बसा है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए, कब बाढ़ आ जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वीडियो आपको अच्छी लगी है, जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।